न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिडनी में पीएम का शानदार स्वागत, आसमान में लिखा वेलकम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में है, आज उनका सिडनी में बड़ा कार्यक्रम शेड्यूल है। प्रधानमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। रिक्रिएशनल एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम के स्वागत में आसमान में वेलकम मोदी लिखा। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यह दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। प्रधानमंत्री इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में थे, जहां आइलैंड देश के पीएम जेम्स मारापे ने उनके पैर छुए थे। वहीं जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे, जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई सुपर के CEO पॉल श्रोडर, फोटोस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष एंड्रयू फॉरेस्ट, हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग की कार्यकारी अध्यक्ष जीना राइन हार्ट से मुलाकात करेंगे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ भी पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। सिडनी के स्टेडियम में पीएम मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां वह भारतीय प्रवासियों को प्रबोधित करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी मौजूद होंगे। रिपोर्ट की माने तो 20,000 सीटर वाले स्टेडियम के सभी टिकट्स बिक चुके हैं। इस कार्यक्रम की मेजबानी इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने द किडनी मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से बताया था कि फाउंडेशन के निदेशक जय शाह और राहुल जेटी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी 2,000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री के सचिव रूपेंद्र मिश्रा का दावा। रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए इस फैसले को केंद्र सरकार की नाकामी का बताया था। इस मामले पर पीएम के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार 23 मई को कहा कि पीएम मोदी बिल्कुल भी 2,000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जैसा कि यह सीमित समय में किया जाना था तो वे अपनी टीम की सलाह के साथ गए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम ने इसके लिए बिना मन की अनुमति दे दी थी। उन्होंने कभी भी 2,000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं माना था। उन्हें पता था कि 2,000 में लेन देन मूल्य के बजाय जमाखोरी होगी। उन्होंने 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले पर कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेना है। पीएम नहीं चाहते कि गरीब प्रभावित हो। पूर्व प्रधान सचिव ने आगे कहा कि नोटबंदी के बाद सलाह दी गई कि 2,000 रुपए का नोट चलन में लाया जाए, जो प्रधानमंत्री को संसद नहीं आया। वह तब स्पष्ट थे कि गरीब और मध्यम वर्ग 2,000 रुपए के नोटों का उपयोग नहीं करते, वे 500 रुपए और 100 रुपए जैसे छोटे नोटों का उपयोग करते। प्रधानमंत्री स्पष्ट थे कि वह नहीं चाहते कि गरीब प्रभावित हो। 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा कर सकते हैं नोट। रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार 19 मई को 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि फिलहाल इस वैध मुद्रा को 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करने के अलावा बदल भी जा सकता है। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी सोमवार को कहा कि 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर बहुत सीमित प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नोट चलन में मौजूद कुल मुद्रा का सिर्फ 10.8% ही है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा तक इस मूल्य के अधिकांश नोट वापस आ जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए के नोट को चलन से हटाने का कदम स्वच्छ नोट नीति का ही हिस्सा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 2,000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाश अंबेडकर के दावे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, नोटबंदी का भी किया जिक्र। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाया कि विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए फंड मिलने से रोकने के लिए बीजेपी ने नोटबंदी का फैसला किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राजनीतिक दलों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रकाश अंबेडकर ने कहा बीजेपी ने दुविधा की राजनीति शुरू कर दी।
2000 रुपए के नोटों पर आरबीआई का फैसला विपक्ष को चंदा मिलने से रोकने के लिए बीजेपी द्वारा खेला गया खेल है। यहाँ के राजनीतिक दलों को बेखबर नहीं रहना चाहिए। कब होंगे देश के लोकसभा चुनाव? ऐसे समय में प्रकाश अम्बेडकर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने कहा था कि यहाँ के राजनीतिक दलों को बेखबर नहीं रहना चाहिए। प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि अक्टूबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव होंगे। प्रकाश अम्बेडकर ने इस सवाल पर भी क्या वह उद्धव ठाकरे की महासभा में शामिल होंगे कहा कि यह उद्धव ठाकरे को तय करना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsty.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।